भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर तक चलाए जा रहे रोड सेफ्टी अभियान में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बीबीएन के सभी थानों की ओर से जगह जगह चालकों व परिचालकों को यातायात संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते वीरवार को जिला पुलिस बद्दी के बरोटीवाला थाना के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों में ASI इंद्रजीत शर्मा, HASI गुरमीत पाल, हेड कांस्टेबल संजीव संजू और गुरदास राम ने दून पब्लिक स्कूल व धौलाधार पब्लिक स्कूल बरोटीवाला में जाकर स्कूल वाहनों के चालकों व परिचालकों को यातायात संबंधी जानकारी दी व ट्रैफिक नियमों की पालना करने बारे जागरूक किया। हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के रोड सेफ्टी जो हमारा सेल है अलग से, उसके अंतर्गत जो है एक रोड सेफ्टी की कैंपेन जो है पूरे हिमाचल में 21 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जो है चलाई जा रही है। इसमें विभिन्न विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो प्रत्येक दिन की जा रही हैं, और जैसे जो है हमने ड्रंकन ड्राइविंग की जो अवेयरनेस 20 तारीख को कराई थी, 21 तारीख को जो हमने कल बस के जो ड्राइवर है कंडक्टर उनको अवेयरनेस कराई थी, और आज जो है हम जैसे जनरल ड्राइवर हैं उनको ड्राइविंग के रूल्स के बारे में अवेयरनेस कराएंगे, और इसी तरह जो है सीट बेल्ट के बारे में, स्कूल बसेस के बारे में अलग अलग जो है अलग अलग तिथियों को जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाएगा। इसी जो प्रोग्राम में है जो हमारे को कुछ पैम्फलेट्स भी हम लोगों को बांटेंगे ताकि वो अवेयरनेस जो है ज़्यादा स्तर पर फैले, और हम जो है आगे जो है अपनी जो कम्युनिटीज़ के साथ जो है और ग्राम पंचायत के प्रधान इन सब के साथ एक मीटिंग भी करेंगे ताकि जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो दायित्व है सभी हमारा समाज में सभी का दायित्व है, सिर्फ एक चलान एक सोल्यूशन नहीं है बट अवेयरनेस और उसको फॉलो करना कितना ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए और अपने घर वालों की अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, उस संदर्भ में भी ये प्रोग्राम जो है हमारा जो स्टेट लेवल से चल रहा है, और ये कैंपेन जो है अभी 30 नवंबर तक जो है चलेगी। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।